Okay, let's go. Hey guys, good morning and Hey guys, good morning and welcome. Hey guys, good morning. Hey guys, good morning and welcome to my new vlog. तो अभी मैं उठ गया हूँ और कभी इधर ठक ठक चल रही है, कभी सब्जी वाले अंकल आ रहे हैं, कभी इधर ठक ठक चल रही है. अपने घर में आए हैं इलेक्ट्रीशियन, अपने जो किराए, क्योंकि वो जो किराएदार है उनके यहाँ का स्विच बोर्ड खराब हो गया है तो ठीक कराने अंदर इलेक्ट्रीशियन आए हैं. तो हाँ, और मैंने अभी नहा लिया है और जाना था सरादे के बुक्स लेने, लेकिन कल रात को ही स्कूल के ऐप पे मैसेज आ गया था बुक्स अन अवेलेबल है, डायरेक्टली डेट पोस्टपोन कर दिए 18 जुलाई को, मतलब 5 दिन बाद. भाई इतनी लेट. बाहर का मौसम एकदम कल के जैसा ठंडा ठंडा हो रखा है, बारिश आई थी कल रात को. आई होप जून का महीना चालू है. सुबह में भी बारिश आई, वो दिन याद आ रहे हैं जब सुबह बारिश आती थी. क्या ठंडा माहौल होता था. शरद्या बुक्स लेने जाना कैंसिल हो गया. अब कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा. अच्छा, आपको अंदर से ऐसा लग रहा था कि आज ही बुक्स लेना कैंसिल हो जाएगा. कोई बात नहीं, 18 जुलाई को जाएंगे अब. और भाई ये टेबल थोड़ा सा इधर सरका दिया है और ये इधर का बेड उधर लगा दिया है. अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब काफ़ी एरिया मिल गया अपन को. हाँ, तो भाई रोटी थोड़ी बची हुई थी तो गाय को दे दी. पर मेरे बाल देखो कैसे हो गए, वो भाई इतना जोकर लग रहा हूँ मैं. भाई अभी का सीन ये है, किराएदार अंकल कील ठोक रहे तार बांधने के लिए. बाजू में भी ठक ठक चल रहे, घर बन रहा है. तो गाइस अभी हम लोग पानी का बिल भरने जा रहे हैं. कैसा लग रहा है? सब कुछ कैंसिल हो गया बुक्स का? बहुत बुरा लग रहा है. कल से हम लोग तैयार हो रहे हैं और कैंसिल हो जा रहे हैं. सौराध्या को बहुत ज्यादा देखने की ये थी उत्सुकता और मुझे भी. अब 18 पर गए ना, तो तभी अपन मार्कशीट भी लेंगे. बाय द वे मेरी तो स्कूल खत्म हो गई. चलो फिर चलते हैं. तो गाइज अभी हम लोग घर पे आ गए पानी का बिल भर के, और फोन आया था क्लर्क का, थोड़ा सा काम आ गया तहसील का, तो वो वही निपटा देंगे. बस अपन को डॉक्यूमेंट सबमिट करने, तो वो अभी डॉक्यूमेंट्स ढूंढ के हम लोग ने बाहर रख दिए. अभी वो क्लर्क घर पे लेने आएंगे. क्लर्क जो है वो मम्मी की दोस्ती है, बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो घर पे डॉक्यूमेंट्स लेने आ जाते हैं. तो गाइज लंच टाइम हो गया और लंच में है चौलाई फली, रोटी, नाचनी की पुंगली और शंकर पाए. तो चलो मैं अभी लंच कर लेता हूँ. तो गाइस अभी लंच हो गया है और मैंने मैगी बना ली है, एक मैगी और एक इप्पी. लेकिन स्वराध्या जो है वो इप्पी नहीं खा रही. इप्पी मैंने स्वराध्या के लिए बनाई थी, थोड़ी सी खाई उसने, बाकी मुझे खाना पड़ेगा. वेस्ट नहीं जाने दे सकते ना, तो हाँ मैं दोनों मैगियाँ खाऊंगा. गाइस अभी लंच वगैरह हो गया और ट्यूशन को जाने का टाइम भी हो गया, तो चलो मैं चलता हूँ ट्यूशन और आपसे मिलता हूँ डायरेक्टली ट्यूशन से आने के बाद. तो गाइस अभी अभी मैं आया हूँ और अभी अभी मैं जा रहा हूँ कंट्रोल लेने. कंट्रोल में राशन रहने दे, तू घर पे ही पढ़ाई कर. क्यों? ऐसे ही अभी आया, अभी चलेगा. नहीं, एक्सपीरियंस लेना जरूरी है पढ़ाई में. हाँ हाँ, पढ़ाई में सुबह उठ के, सुबह जल्दी उठ के कर लूँगा. तो एडिटिंग भी कर लूँगा. हाँ वो भी कर लूँगा. तो चलो अभी चलते, अभी अभी मैं आया हूँ ट्यूशन से और अभी अभी जा रहा हूँ. देखो कंट्रोल में राशन नहीं लेकर जा रही है, ये खुद आ रहा है पढ़ाई छोड़ के, वो बाद में कर लेगा. ठीक है, कर लेगा ना? हाँ मैं कर लूँगा ना. चलो तो भाई अभी हम लोग घर पे आ गए, काफी कम भीड़ थी, अच्छा हुआ जल्दी काम हो गया. बचपन में लग गया खैर साइलेंसर, अभी भी निशान है पैर को. मैं निर्मल के यहाँ पे जाऊँ क्या? ठीक है चलो गाइस मैं अभी चलता हूँ निर्मल के यहाँ पे. तो गाइस निर्मल से मिल लिया, तो चलो अभी घर पे चलते हैं. सराते का फोन भी आ गए, चलो बाय. तो गाइस अभी मैं घर पे आ गया और डिनर टाइम हो गया है. डिनर में है आलू गोभी की सब्जी और रोटी,
तो चलो मैं अभी डिनर कर लेता हूँ। तो गाइज घर के अंदर चिपकली का बच्चा आ चुका है, उसे निकालने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। कुचू 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 कुचू, निकल मेरे बच्चे, निकल निकल ना भाई। तो गाइज डिनर करने के बाद मैंने चिपकली को भगा दिया, वो भी अकेले अकेले भगाया मैंने। मम्मी यहाँ पे सो गई थी, मैं गया झाड़ू उठाया और भगा दिया। तो मैं ही झाड़ू उठा के मम्मी कह रही है वेल डन, मैं ही झाड़ू उठा के भगा रहा था ना, तो व्लॉग नहीं बना पाया। तो हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। आज कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं यार, कुछ खास नहीं होता, लाइफ ऐसे बोरिंग से हो गई है। ये भी कह सकते हैं कि ज़िंदगी बोर नहीं है, हम गरीब हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा, कभी ना कभी अपने दिन आएंगे, तो उसके लिए अपनी कोशिश जारी रखेंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे। तो चलो आज के इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।